कि आप पहले तुकाराम थे जी, अभी आप अब्दुल रहमान बन गए जी। तो इस्लाम में आपने ऐसा क्या देखा, इस बारे में कुछ आपसे पूछेंगे। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह अल्लाह के रसूल। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह अल्लाह के रसूल पे मैंने ईमान लाया। इस्लाम में ऐसा क्या देखा आपने, मतलब आप इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह को पूजना है, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक रब को मानना है जो अल्लाह है, ठीक है। जो मांगना है उससे मांगना है, जैसे कि मैंने कुछ मिट्टी लिया उससे मैंने कुछ बनाया, फिर मैं उसको ही पूंज रहा हूँ। पत्थर को मैं बचपन में मार्केट गोटियां बनाता था मैं, मेरे बहुत से दोस्त, फिर उसी गोटी जगह मैं कोई और चीज बन गया उसको पूंजता हूँ, तो हराम है। मतलब पत्थर की मूर्ति अपने हाथ से बनाते थे, उसी को पूजा करते थे, वो हराम है। हराम। और एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर पे ईमान लाना, उसी की पूजा करना। जो बेशक, और सबके लिए मेरा यही संदेश रहेगा, सबके लिए यही संदेश है कि सब लोग एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर की बात करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें, ना किसी करें। पत्थर को, किसी इंसान को, किसी पीर को, किसी फकीर की पूजा इबादत ना करें, ना करें। यही संदेश आपका है। दूसरा ये सवाल था मेरा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम बनने के लिए लोग पैसे देते हैं, माल देते हैं, या डरा के धमका के आपको बोलते हैं आ जाओ इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल करने के। मैंने तो अपनी खुद की पूरी प्रॉपर्टी मैंने मस्जिद और मदरसों को मैंने वफ कर चुका हूँ। मैं आपकी खुद की प्रॉपर्टी जो मस्जिद और मदरसों को वफ कर चुका हूँ मैं। मस्जिद और मदरसों को जो बता सकते हैं आप, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपके पास, कोई सबूत? जी हाँ, बहुत से हैं। और ऐसे भी ये भी बताइए कि आप भी पहले क्या थे? पहले मैं मराठा था, मैं मराठे में जात कैकाड़ी होती है और मैं कैकाड़ी था। मराठा थे आप पहले? जो ये है आप माशाल्लाह मुस्लिम है जो, और ये क्या है बताइए आप मुझे। मराठा में जात कैकाड़ी आती है। जी जी जी। ये सर्टिफिकेट क्या है? ये मैं इस्लाम कबूल करे सो है। जी जी। नेक्स्ट, और ये वक्फ बोर्ड से लिया। वक्फ बोर्ड से लिए, ये आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ बोर्ड, अच्छा वक्फ बोर्ड है, ये भी वही है जी। मेरा सर्टिफिकेट है जी। और ये जो सो आपका दसवीं का मेरा टीसी, टेन का मेमो है, ये टीसी है जी। टेन का टीसी है। तुकाराम चंद्रकांत माने, तुकाराम चंद्रकांत माने, माने कैकाड़ी जी। अच्छा, ये मैंने जो जमीन मेरे हिस्से को जो आई थी मेरे वालिद साहब के पास से, आपके वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा आया था, ये आपने मस्जिद के लिए दे दिया जी। मस्जिद मदरसा उसके लिए दे चुका हूँ। दे चुके हैं आप जी। उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है।